दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग, व्लॉग विद सैफ। गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं पीपे वाले पुल पे। ये देखिए पीछे वाला वो है पीपे वाला पुल। अब हम लोग चलेंगे इसी के साथ वहाँ पे। चलो गाइस, इसी के साथ हम लोग पीपे वाले पुल पे आ चुके हैं। ये देखिए, वैसे ये काफी पुराना पुल है और ये इसके नीचे जो पड़े हैं वो पीपे हैं, उसके ऊपर लकड़ी बिछाई गई है कि ये वहाँ वो जो सामने आपको नजर आ रहा है वहाँ पे जाने के लिए, मतलब उधर भी थोड़ी बहुत बस्ती वगैरह है। तो और गाइस, अगर आपको इस जगह इस लोकेशन पे आना है तो आप लोगों को ये क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर की तरफ तुड़िया घाट का रास्ता जाता है। तुड़िया घाट से होते हुए आप इस यहाँ पे आ सकते हैं। गाइस, बहुत मस्त व्यू आएगा यहाँ का। ये देखिए, ये भी पहला पुल जिसको हमने वहां पे हम लोग खड़े होके जो हमने शूट किया था वहां से आपको बताया था, तो ये यही जगह है। गाइस, ये जस्ट पीपे वाले पुल के बगल में है। ये देखिए, यहाँ पे मतलब कपड़े वगैरह का भी कुछ काम आम होता है। और ये देखिए सामने जस्ट नदी है, इतनी गई हुई है, मेरे ख्याल से घूमती ही नदी से होते हुए गई हुई है। अब वो अब हम लोग उसके सामने जाएंगे, मतलब कि याला अब हम लोग पुल चढ़ेंगे, धीरे से धीरे धीरे चढ़ेंगे याला पीपे वाला पुल पार करके उस साइड जाके कुछ लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग पीपे वाला पुल चढ़ लें। देखिए यहाँ की लकड़ियाँ वैसे काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं और ये काफ़ी सालों से ऐसी लगी हुई हैं। ये देखिए, नीचे पीपे पड़े हुए हैं जो कि आज से कम 70 साल पुराने हो सकते हैं, 70-80 साल मैक्सिमम। कहते अगर आप लोग सुबह आएंगे ना तो ये लोकेशन आपको बहुत अच्छी लगेगी और इस लोकेशन को एक बार विजिट करें ज़रूर। कहते आप देख भी सकते हैं ये पुल कितना मजबूत है। ये देखिए, इसके ऊपर कार भी आ रही है, कार भी चली जाती है यहाँ से। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, वो जो वहाँ पे है हम लोग वहाँ पे देखते हैं, अगर जो कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे इसके बारे में पूछेंगे भी और बात भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पीपे वाला पुल ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कितना गजब व्यू है। देखिए, हम लोग उस साइड से आए हैं, ये वाला पीपे वाला पुल हम लोगों ने पूरा चढ़ा चला। ये देखिए, कितना गजब व्यू आ रहा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ें देखने को भी मिल सकती हैं। और ये देखिए सामने एलपी पहला पुल है। गाइस, हम लोग अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो एक पान की घुंटी वहाँ पे दिख रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेते हैं और उनसे इस जगह के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछेंगे। पे आए हुए हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या मिल सकता है हम लोगों को। गाइस, हम लोग आ चुके हैं आंटी की दुकान पे। हेलो आंटी जी। बेटा ये बताइए आंटी, मतलब ये एरिया क्या लगता है? फैजुल्लागंज वार्ड लगता है बेटा। गाइस, ये फैजुल्लागंज वार्ड लगता है जी। और आंटी आपके यहाँ क्या क्या मिल जाएगा हम लोगों को? जी, नमकीन मिल जाएगा जी। और जी बेटा, और मतलब चाय आपके यहाँ क्या रुपए मिलेगी? 7 रुपए का मिल जाएगा, स्पेशल 10 के मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो गाइस हम लोग इसी के साथ अब चाय बनवाएंगे। चाय बनवाने आंटी आप एक काम करिए, 2 चाय कर दीजिएगा हम लोगों की। ठीक है, ये आंटी की दुकान है। गाइस, अगर आप लोग इस एरिया में आइए तो आंटी जी की दुकान पर ज़रूर आइए, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, इसी के साथ अब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद।